दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका मेरी इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम सीखेंगे इंडियन ऑयल ऐप्स के थ्रू इंडियन वन में हम अपने कनेक्शन में अपना जो बैंक अकाउंट है उसको कैसे एंटर करेंगे या फिर उसको करेक्शन करेंगे। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम इंडियन ऑयल ऐप को खोलेंगे। जैसे इंडियन ऐप को खोलने के बाद हाँ इस तरह से हमारा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर ऊपर का जो लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर में थ्री डॉट का ऑप्शन है उस थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एलपीजी में क्लिक करेंगे। एलपीजी में क्लिक करने के बाद जो सर्विस रिक्वेस्ट आता है सर्विस रिक्वेस्ट में क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन में जो है दोस्तों बैंक सीटिंग का जो ऑप्शन है उसमें हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये देखो दोस्तों जैसे हम उसमें क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस खुल जाता है। उसमें दिखाई देता है आपका नाम कंज्यूमर नंबर कंज्यूमर आईडी। दोस्तों पहले उसको चेक कर लेंगे कि वो आपके का है या नहीं। अगर आपका है तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं खुले हुए हैं तो उसको हम एंटर कर देंगे। जैसे आपका बैंक का नेम आपका जो बैंक का नाम होगा उस बैंक का नेम को आप इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद आप अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका नाम एंटर करने के बाद जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो ऑटोमेटिक वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों उसके बाद आप सबमिट का जो बटन नीचे दिया हुआ है उसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो बैंक है वो आपके कनेक्शन के साथ तुरंत लिंक हो जाएगा और एक मैसेज भी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। दोस्तों दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों धन्यवाद।